लास्ट टाइम हमने सेल्फ इंडक्शन डिस्कस किया था. सेल्फ इंडक्शन में ये डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई सोलेनोइड है, सोलेनोइड को इंडक्टर बोलते हैं, तो सोलेनोइड या इंडक्टर का जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल है, एल आई, और इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल है, माइनस एल डी आई बाई डी टी. फिर हमने म्यूचुअल इंडक्शन किया, और हाँ हमने सेल्फ इंडक्शन कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला भी डराइव किया कि कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के दो फॉर्मूलाज कोई भी यूज़ कर सकते हो. इसमें एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें छोटे एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. उसके बाद हमने क्या किया, म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर हमने फॉर्मूला यूज़ किया फाई का एम आई, और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, माइनस एम डी आई बाई डी टी. डी आई बाई डी टी जो करंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है फर्स्ट कॉइल का, प्राइमरी का, लेकिन ईएमएफ किस में जनरेट हो रही है, सेकेंडरी में. फिर हमने कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन किया, कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इसके इक्वल ये फॉर्मूला हमने किया, और या फिर ये फॉर्मूला कोई भी यूज़ कर सकते हो. ये फॉर्मूला तब यूज़ करना है जब नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, और ये तब यूज़ करना है जब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ गिवन है. फिर हमने फैक्टर्स देखा किसके ऊपर एल डिपेंड करता है या एम डिपेंड करता है. कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो डिपेंड करता है वो बेसिकली डिपेंड करेगा कि कॉइल्स कितनी पास पड़ी हुई हैं, कैसे ओरिएंटेशन है. अब प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई भी दो कॉइल्स हैं जिनमें अगर करंट है, उसमें सेल्फ इंडक्शन भी होगा, उसमें म्यूचुअल इंडक्शन भी होगा, दोनों होते हैं. तो ऐसे केस में एक टर्म आएगी कोफिशियंट ऑफ कपलिंग. कोफिशियंट ऑफ कपलिंग में एम और एल वन एल टू दोनों तीनों चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि दोनों कॉइल्स में सेल्फ इंडक्शन भी है एंड म्यूचुअल इंडक्शन भी है, तो दोनों चीज़ें आ रही हैं. और के आपको ये बताता है कि कपलिंग कितनी ज़्यादा है. कपलिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही म्यूचुअल इंडक्शन ज़्यादा होगा, उतनी ही ईएमएफ प्रोड्यूस ज़्यादा होगी. तो ये कोफिशियंट ऑफ कपलिंग है, इसकी वैल्यू जीरो और वन के बीच में लाई करती है. और अगर के की वैल्यू मैक्सिमम है, तो यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन मैक्सिमम है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम है. और अगर के ज़ीरो है, यानी कि एक कॉइल यहाँ, एक कॉइल बहुत दूर पड़ी हुई है, के ज़ीरो हो गया, इसमें कोई म्यूचुअल इंडक्शन नहीं है, कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं होगी. तो ये टॉपिक कपलिंग आता नहीं है, पर मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसमें कपलिंग यूज़ करनी है.